आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ये डिज़ाइन। तो जैसा कि आपको बताया कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और सोशल मीडिया पर और ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ इस तरह के डिजाइन ट्रेंड में चलेंगे जो कि देखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसमें जो आप 3D की टाइपोग्राफी देख रहे हैं वो क्रिएट करेंगे हम इलस्ट्रेटर में, और ये बाकी आप डिजाइन जो देख रहे हैं 2D शेप्स के कलरफुल डिजाइन है वो भी हम इलस्ट्रेटर में क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद इसको फोटोशॉप में ले जाकर इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। फाइनल बैनर हम फाइनल टचअप वहां पर देंगे। तो सबसे पहले हम 3D का जो इफेक्ट है, टाइपोग्राफी का इफेक्ट है, वो बनाएंगे हम इलस्ट्रेटर में और चलते हैं फिर इलस्ट्रेटर। तो यहां पर जाऊंगा, सबसे पहले मैं टाइप टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं टाइप कर लूंगा फेस्टिवल। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉर्नर से हम इसको स्केल कर लेंगे, और यहां पर जो टेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं वो है इंपैक्ट, जो कि एक काफी अच्छा फॉन्ट है। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूंगा, तो मुझे ये ब्लैक में नहीं चाहिए, हल्का सा ग्रे स्टोन में मैं रखूंगा, लाइट वाला ग्रे स्टोन ये सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर 3D इफेक्ट अप्लाई करने से पहले मैं इसको एक शेप में क्रिएट करूंगा, तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसकी शेप को थोड़ा चेंज करूंगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पर जो आइकन हमें दिखाई दे रहा है रैप का, तो यहाँ से हम शेप को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की, या फिर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इफेक्ट में जाकर यहाँ से रैप में जाकर ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने आर्क सेलेक्ट किया है तो इस तरह की शेप यहाँ क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं इफेक्ट मिल जाते हैं, कोई भी इफेक्ट यहाँ चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो करूंगा आर्ट लोअर, तो मुझे कुछ इस तरह की शेप चाहिए, नीचे की तरफ जो शेप है उसी को चेंज करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल पर रखेंगे। और इसका बैंड मोड है, इसको यहाँ पर जैसे मैं जीरो कर दूंगा तो फ्लैट हो जाएगा, और वापस माइनस की तरफ लेकर जाऊंगा तो इस तरह की यहाँ से शेप क्रिएट होगी। तो मुझे हल्की सी यही शेप चाहिए यहाँ पर, उसके बाद इसको मैं यहाँ ओके कर दूंगा। अभी हमारी शेप क्रिएट हो चुकी है, अब इसमें हम 3D वाला इफेक्ट जो है वो यहाँ क्रिएट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर और यहाँ से 3D एंड मटेरियल, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाला और उसके बाद 3D क्लासिक। तो यहाँ पर क्लासिक वाला एक्सट्रूड एंड बेवल मैं यहाँ यूज करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से 3D हमारा क्रिएट हो चुका है, और ये जो बॉक्स है इससे हम इसको अपनी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। और जो आप साइड में ये देख रहे हैं जो वैल्यू है इनको मैं जीरो कर दूंगा तो ये इसकी रोटेशन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, और ये वाली रोटेशन को मैं 7 या 8 के आसपास रखूंगा ताकि हल्का सा वो डेप्थ यहाँ दिखाई दे। अभी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी दिखाई दे रही है, इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इसकी जो डेप्थ वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको एरो को क्लिक करूंगा और यहाँ से जैसी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये डेप्थ यहाँ बनती चली जाएगी। अभी जो हमारी ये डेप्थ है वो एक सीधे ही स्ट्रेट एंगल पर ही जा रही है, तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव हमें थोड़ा यहाँ चेंज करना होगा, तो पर्सपेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाकर जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि वो पर्सपेक्टिव हमारा बन चुका है, जो कि अब देखने में काफ़ी सही लग रही है। तो इसकी वैल्यू को मैं 60 के आसपास रखूंगा और ये वाली वैल्यू को मैं मतलब 650 के आसपास ही रखूंगा। अभी जो इसकी डेप्थ है वो एकदम ब्लैक सी लग रही है, थोड़ी सी एक ही कलर में लग रही है, तो इसकी हम लाइटिंग को चेंज करके इसकी डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मोर ऑप्शन पर जाऊँगा, और जो यहाँ पर आप जो सर्कल देख रहे हैं इससे हम इसकी लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो इस पे एक छोटी सी वो पॉइंट लगा हुआ है वो एक लाइट ही है, इस लाइट को हम मूव करके इसकी लाइटिंग पूरी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि लाइट हमारी यहाँ पर भी चेंज हो रही है। तो इसके अंदर हम एक और लाइट ऐड कर सकते हैं, इस वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक और लाइट ऐड हो जाएगी, तो इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो पूरी लाइटिंग यहाँ चेंज हो जाएगी। तो इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अगर आपके पास लग रही है कि एक्स्ट्रा लाइट है तो उसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल लाइटिंग की जो है एम्बियंस को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे ही हमें डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे तो लाइट थोड़ी सी और सटल सी हो जाएगी, थोड़ा सा मतलब हार्डनेस उसकी कम हो जाएगी। तो ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक लग रही है, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक 3D वाला इफेक्ट जो है बढ़िया हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मुझे एक टेक्स्ट और लिखना है सेल, तो इसी की कॉपी बनाकर मैं सेल लिख लूंगा, तो इसको ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं सेल यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये सेम 3D वाला इफेक्ट इस पर भी आ चुका है। तो स्केल वाला जो टेक्स्ट है मुझे वो थोड़ा छोटा रखना है, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके स्केल कर लेंगे और इस तरफ लगा देंगे। अब इसमें जो कलरफुल वाला टेक्स्ट था हमारा ऊपर, वो हम उस तरह का इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसको क्रिएट करने के लिए मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी और इसका जो 3D इफेक्ट है वो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिर्फ टेक्स्ट मुझे चाहिए ऊपर का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा इफेक्ट हमने डाला हुआ है वो सब ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक तरीके से शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हो, तो इसको सबसे पहले अनग्रुप करेंगे,
दो बार इसको अनग्रुप करेंगे, उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अलग से। तो मैं सारा टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और उसको ग्रुप करके बाकी जो 3D वाला जो हमारा पार्ट है वो छोड़ देंगे। तो बस टेक्स्ट निकलने के बाद बाकी हम इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ से डिलीट कर देंगे बाकी शेप्स को। अब हमारा जो 3D वाला टेक्स्ट का इफेक्ट है वो हमारा यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब जो हम क्रिएट करेंगे वो शेप्स और डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। अब जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसमें इन कलर को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सर्कल क्रिएट करूंगा, शेप्स के अंदर जाकर यहाँ से सर्कल ले लूंगा और शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल क्रिएट कर लूंगा। अब इस सर्कल का कलर चेंज करने के लिए मैं आई प्रेस करूंगा तो आई ड्रॉपर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं किसी भी कलर पर क्लिक करूंगा तो ये कलर हमारा सर्कल में आ जाएगा, या फिर आप टूल बार में जाकर ये आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये कलर पकड़ लेगा। अब इस सर्कल की एक और डुप्लीकेट क्रिएट करूंगा तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी तो इसको पेस्ट करके हल्का सा स्केल कर लेंगे तो एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आई प्रेस करके इसका कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इस शेप में हम एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जिगजैग यहाँ सेलेक्ट करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो 10 है और यहाँ पर जैसे ही मैं सेगमेंट्स क्रिएट करूंगा इसकी बढ़ाऊंगा तो यहाँ से पॉइंट्स ये बढ़ते चले जाएंगे और इसको स्मूथ कर देंगे तो ये जो हमारे एजेस हैं वो राउंडेड हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद रेड वाले को सिलेक्ट करके मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा शिफ्ट वी। तो इसमें सिर्फ मुझे आउटलाइन ही चाहिए, बाकी फिल कलर नहीं चाहिए। तो फिल वाला ऊपर ये है और नीचे वाला हमारा आउटलाइन कलर है। जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा तो ये एक्सचेंज हो जाएगा कलर। तो आउटलाइन पर हमारा कलर मतलब रेड कलर जो है आउटलाइन पर चला गया है। तो आईड्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये सिर्फ आइकन जो हमारा आउटलाइन है उसी का कलर चेंज होगा और इसकी वैल्यू को यहाँ से बढ़ा दूंगा, थिकनेस बढ़ा दूंगा तो हल्का सा इसको और स्केल कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पर एक और आउटलाइन क्रिएट करूंगा तो कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करूंगा तो उसकी यहाँ डुप्लीकेट हो जाएगी और स्ट्रोक वैल्यू जो है मैं 7 या 8 के आसपास रखूंगा। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके मैं येलो पर क्लिक करूंगा तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा और स्ट्रोक में जाकर यहाँ डैश वाली लाइंस को मैं चेक कर दूंगा तो इस तरह से डैश वाली लाइन जो है इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इस डिजाइन के बाहर मैं एक और डिजाइन क्रिएट करूंगा तो ये वाला जो सेंटर वाला येलो सर्कल है तो इसी की मैं एक कॉपी बनाऊंगा तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा और स्केल करके इसको यहाँ से इतना बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पर फिल की जगह हम स्ट्रोक वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से मैं सिंपली आइकन पर क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक के अंदर हमारा कलर आ जाएगा, फिल हमारा चला जाएगा। तो अभी जो स्ट्रोक का साइज है वो थोड़ा कम है, इसको यहाँ पर मैं बढ़ा लूंगा तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक वैल्यू 4, 5 या 6 इसके आसपास कर दूंगा। अब ये जो इफेक्ट है हमारा आउटलाइन पर तो इसको हम फिर से एडिट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से विंडो में जाएंगे और अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारा एक टैब खुल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिगजैग वाला इफेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, सारा जो भी हमने इसके इफेक्ट डाले हुए वो सब यहाँ पर शो करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन जिगजैग पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा वापस पैनल खुल जाएगा। स्मूथ की जगह इसको मैं यहाँ से कॉर्नर कर दूंगा और इसका साइज जो है यहाँ पर मैं बढ़ा दूंगा तो ये बाहर की तरफ इस तरह से ये शेप क्रिएट होगी। तो ये मुझे यहाँ पर सही लग रही है तो इसी लाइन की मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और यहाँ पर एक और इफेक्ट क्रिएट करूंगा तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा तो डुप्लीकेट हो जाएगी और यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके कोई भी व्हाइट कलर पर क्लिक करूंगा तो ये फिल कलर जो है हमारा दिखाई देगा व्हाइट हो जाएगा। तो व्हाइट कलर जो है वो हमारा टॉप पर आ चुका है, इसको पीछे ले जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और अरेंज में जाकर यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे तो ये पीछे की तरफ यहाँ पहुंच जाएगा। हल्का सा इसको स्केल कर लेंगे बस। तो मैं क्रिएट क्या करना चाह रहा था तो उसको सेलेक्ट करके दोनों को और यहाँ पर लेकर आऊंगा तो आप देख रहे हैं कि अंदर व्हाइट है और ऊपर हल्की सी आउटलाइन येलो की है तो इसको जब हम डिजाइन में लेकर जाएंगे तो ये काफी अच्छा लगेगा। अब इसमें यहाँ पर मैं लेबल टाइप जो होता है वो क्रिएट करूंगा तो यहाँ से शेप में जाकर रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक इस तरह से शेप क्रिएट करूंगा और इसका कलर मैं लूंगा यहाँ से ब्लू। अब इसी रेक्टेंगल की मैं कॉपी क्रिएट कर लूंगा और इसी को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगा और इसका कलर जो है सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर से ये चेंज कर दूंगा। इस शेप को थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा सा करूंगा तो शेयर टूल पर जाकर यहाँ से आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह की शेप यहाँ क्रिएट हो जाएगी। इन शेप को मैं इस तरफ कॉर्नर में पीछे की तरफ रख दूंगा और इसी की डुप्लीकेट करके सेम इसको भी यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। अब उसके बाद इसका एक फ्लैप क्रिएट करेंगे तो इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी करूंगा और इसको इस तरफ यहाँ के रख लूंगा, इसको बैक में कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर सिंपल एक पेन टूल लेकर मैं पॉइंट ऐड करूंगा और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके पीछे की तरफ करूंगा तो ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। तो सेम इसी की कॉपी लेकर मैं दूसरी साइड भी रख दूंगा तो इस कलर को हल्का सा यहाँ चेंज कर लेंगे दोनों में। उसके बाद ये हमारी शेप अब क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम लेकर चलेंगे फोटोशॉप में और टेक्स्ट को भी और ये वाली शेप को भी।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नई लेयर यहाँ से क्लिक करके नई लेयर बना लूंगा। उसके बाद शेप लेयर लेकर सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमें ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे, तो डबल क्लिक करके यहाँ पर ग्रेडियंट वाले को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इसका जो कलर होगा हल्का सा येलोइश और ऑरेंज वाले टोन में यहाँ पर रखूंगा। तो ये मुझे यहाँ पर कलर ठीक लग रहा है, उसके बाद ओके कर देंगे और इसको रेडियल यहाँ से कर देंगे। तो सेंटर से हमारा येलो होगा, बाहर की तरफ ऑरेंज टाइप दिखाई देगा। तो इलस्ट्रेटर में अब जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किए थे उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे डिज़ाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और फोटोशॉप में जाकर कंट्रोल वी कर दूंगा। तो लेयर वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। तो सारा डिज़ाइन जो है हमारा लेयर बाय लेयर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से हम टेक्स्ट को लेकर जाएंगे फोटोशॉप में। तो एक एक करके ही मैं यहाँ से टेक्स्ट को लेकर जाऊँगा। यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही सारे टेक्स्ट को मैं यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेकर आ जाऊँगा। अब इनकी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले सेट कर लेता हूँ कि कहाँ पर हमारा टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब मैंने हर टेक्स्ट के ऊपर एक अलग से लेयर यहाँ पर डाली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसी पर हम अपना इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करेंगे। तो ग्रेडियंट में मैं कलर लूँगा यहाँ से ब्लू टाइप कुछ। तो यहाँ से ये वाला कलर उठा लेते हैं और डबल क्लिक करके ये वाला कलर यहाँ से उठा लेते हैं और इसको कर देंगे यहाँ से लीनियर। तो यहाँ से ग्रेडियंट को स्केल कर सकते हो और या फिर सिंपली इसको ड्रैग करके अपने ग्रेडियंट को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको आउटसाइड रखूँगा और 2-3 इसकी वैल्यू रखूँगा और ये इस तरह से कलर रखूँगा। तो ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अब इसी लेयर स्टाइल को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और कॉपी लेयर स्टाइल। अब जो सेल वाला जो सबसे ऊपर टॉप पर हमारा लेयर है इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा, तो सेम वो वाला इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो अब ये देखने में काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। अभी इसके अंदर हम यहाँ शेडो क्रिएट करेंगे थोड़ी सी और इसको अच्छा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो इनका 3D वाला जो इफेक्ट है यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। सबसे पहले इनको एक अलग ग्रुप में मैं रख रहा हूँ। तो अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करके इसके अंदर एडजस्टमेंट लेयर में जाकर एक लेवल क्रिएट करूँगा। तो लेवल से मैं इसकी जो ब्राइटनेस है, जो 3D वाला हमारा शेप है, इसको मैं हल्का सा यहाँ से ड्रैग करके वाइट की तरफ ले जाऊँगा, तो थोड़ा सा वो वाइट सा हल्का सा लगे। तो इस ग्रुप को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सिंपल इसको पास थ्रू कीजिएगा नॉर्मल कर देंगे, जिससे कि जो लेवल इफेक्ट कर रहा था वो सिंपल हमारे 3D लेयर्स पर कर रहा है, बाकी और किसी चीज़ पर नहीं करेगा। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सही से इसको जूम करके। तो अब ये देखने में काफ़ी यहाँ सही लगने लग गया है। अब जो हमारा 3D वाला इफेक्ट है, जो टेक्स्ट है, उस पर नीचे की तरफ मैं हल्का सा डार्क कलर जो है वो डालूंगा। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और ग्रेडियंट ओवरले में जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर मैं डार्क कर दूंगा। तो सिंपल क्लिक करूँगा तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर दूंगा और इसके ऊपर वाला एक सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को यहाँ पर कम कर दूंगा और नीचे वाला कलर सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ पर ब्लैक कर दूंगा। अब इसका कलर को यहाँ से सिंपली ड्रैग करके आप नीचे की तरफ ले जा सकते हो, जहाँ पर आपको ठीक लगे। तो मुझे यहाँ पर हल्का सा ब्लैक चाहिए और इसका मोड को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपने हिसाब से आप जहाँ पर आपको ठीक लगे वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं स्केल उसके थ्रू। अब आपका एक बार इफेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो इसको आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। तो इसी को मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल कर लूँगा और सिंपली सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा सेम इफेक्ट आ चुका है। तो इसको हम डबल क्लिक करके अपना एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें। तो ये तो देखने में हमारा काफ़ी बढ़िया सा बन चुका है। अब फाइनली एक शेडो क्रिएट करेंगे बढ़िया सी, जो कि और भी मज़ेदार बना देगी इसको। तो उसके लिए सबसे पहले जो 3D वाली लेयर है हमारी जिस पर हमने इफेक्ट डाला है उसकी हम डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेंगे। इसकी डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल जे करके और इसको मैं सबसे पहले ग्रुप से बाहर निकाल लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ से शेडो में क्रिएट करूँगा। अब इसी लेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से फिल्टर के अंदर। तो फिल्टर में जाकर ब्लर गैलरी में जाकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पाथ ब्लर। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर एरो दिखाई देंगे और कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो ये हमारा पाथ ब्लर यहाँ सेलेक्टेड है। उसके बाद इस एरो पॉइंट को जहाँ भी हम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी जो शेडो है उस डायरेक्शन में क्रिएट होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेंटर जो ब्लर ऑप्शन है उसको अनचेक करना है और स्पीड को बढ़ाएंगे और टेपर को हल्का सा बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी शेडो यहाँ पर क्रिएट हो रही है।
और सरफेस स्पीड को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपकी शेडो जो है वो कितनी लॉन्ग और मतलब स्मूथ यहाँ बनेगी। तो सिंपली इसको आपको जहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में इसको ठीक लग रही है उस डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट इस डायरेक्शन में रखूँगा, तो यहाँ पर ये शेडो मुझे काफ़ी ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो इसको ओके कर देंगे। तो अभी यहाँ पर इसका कलर जो है वो वाइट टोन में आ चुका है क्योंकि शेप का कलर वाइट ही है। तो यहाँ पर मैं शेप पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से कलर ओवरले जो है वो हम यहाँ पर ग्रे टाइप रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई मोड रखेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये शेडो को हल्का करने के लिए मुझे ओपेसिटी को हल्का सा कम करना होगा, जितना आपको ठीक लगे उतना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी सही लग रही है, इसका मोड मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जो कि देखने में काफी सटल और बढ़िया लग रही है शेडो। अब इसके बाद सेल वाला जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी हम सेम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और इसकी शैडो को क्रिएट करेंगे। तो हमारा एक काफी बढ़िया डिजाइन यहाँ तैयार हो चुका है। अगर इसके अंदर आप लोगो भी डाल दें और डेट टाइम भी डाल देंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों एक डिजाइन तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और आप इसको अब एनिमेट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप भी इस तरह के डिजाइन बना सकते हो आने वाले फेस्टिवल्स में। तो इसी फाइल का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो और नए नए डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप भी कोई नए डिजाइन बनाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो ताकि मैं भी देख सकूं यार आपने भी क्या डिजाइन किया है। तो आप इसका एक मोशन क्रिएट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आप अगर इसका मोशन क्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यार आप लोग कहाँ तक क्या सीख चुके हो। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।